सरकार को कहना चाह रहे हैं यही कि जो भी व्यवस्था करे पूर्ण रूप से करे, नहीं तो छोड़ दे। जैसे लोग जा रहा है, जैसे मर रहा है मरने दीजिए उसको। मतलब व्यवस्था करना है तो ठीक से करें। हाँ, नहीं तो बिना मतलब का खाली प्रचार करने के वैक्सीन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पूरा सारा वैक्सीन विदेश में जा रहा है। इस वक्त हम जिला वैक्सीनेशन भंडार, जी हाँ, पटना में है, गर्दनी बाग अस्पताल पटना में है और यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लगा हुआ है। बिहार के युवाओं के वैक्सीनेशन को लेकर के भले ही राज्य सरकार कई प्रकार का दावा कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम जिला वैक्सीनेशन भंडार, जी हाँ, पटना में है, गर्दनी बाग अस्पताल पटना में है और यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लगा हुआ है। लेकिन ये ताला 45 प्लस वाले लोगों के लिए नहीं है, 18 प्लस वाले लोगों के लिए है। यानी कि 18 साल से जो ऊपर के युवा हैं, जिसको लेकर के राज्य सरकार तरह तरह की दावा कर रही है कि बिहार वैक्सीनेशन में नंबर वन है और सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ने इस मामले में रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये 18 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, युवा हैं, उन्हें अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। गर्दनीबाग अस्पताल में है, हकीकत क्या है और कब से नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के अधिकारियों से ही बात करेंगे, यहाँ के प्रशासन से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीन 18 प्लस वाले लोगों को जो वैक्सीन है वो कब से नहीं मिल रहा है और कब तक आने की उम्मीद है। इन तमाम सवाल को लेकर के हम गर्दनीबाग अस्पताल के भीतर मौजूद हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चलते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ही जा करके हम जानेंगे कि ये जो वैक्सीन जो है 18 प्लस से बड़े लोगों को कब से नहीं मिला है। एसपी में सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे 18 प्लस वाले लोगों को जो युवा हैं बिहार के, उन्हें कब से वैक्सीन नहीं मिल रहा है? एक सप्ताह से नहीं लग रहा है। एक सप्ताह से नहीं जी, स्टॉक आया है अभी? आने का चांस है। चांस है जी, मतलब कोई अपडेट अभी नहीं आया? अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं आ रही है, यानी कि एक सप्ताह से बंद है, अभी अपडेट नहीं है। 45 प्लस वालों को लगातार जा हो रहा है। कितने लोग प्रतिदिन यहाँ? 500 प्लस लोग यहाँ हर रोज होता है जी। चलिए, गर्दनीबाग अस्पताल में है, गर्दनीबाग अस्पताल के ही लोग थे, अधिकारी थे, इसीलिए तौर पे कह रहे हैं कि एक सप्ताह, सही सुना आपने, एक सप्ताह से यहाँ पे कोविड 19 का जो वैक्सीन मिल रहा है लोगों को, कोविशील्ड का यहाँ डोज मिलता है और कोविशील्ड का डोज जो है 18 प्लस वाले लोगों के लिए एक सप्ताह से बंद है। यानी कि एक सप्ताह से जो है, पिछले एक सप्ताह से लोगों को नहीं मिला है, 18 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है। उनके लिए ये जो जिला वैक्सीन भंडार का जो ये दरवाज़ा है 18 प्लस वाले लोगों के लिए बिल्कुल बंद है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पटना के अधिकतर जगह का यही हाल है। हमने आपको दिखाया था कि पटना वुमेंस कॉलेज में जो वैक्सीन का सेंटर बना हुआ है, वहाँ किस प्रकार से जो है लोगों को कैसे वैक्सीन मिल रहा था, किन तरह के लोगों को मिल रहा था, ये हमने दिखाया था कि कुर्सियाँ खाली थी, वैक्सीन सेंटर तो बनाए गए थे लेकिन कुर्सियाँ खाली थी। आपको बता दें कि 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उन्हें टोकन के हिसाब से मिलता था। इसके लिए टोकन केंद्र भी बनाए गए हैं, सूचना भी लगाया गया है और जिन लाभार्थियों का, यानी कि जब कोविन ऐप से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद सभी लोगों को मिला था 18 प्लस वाले लोगों को। लेकिन वैक्सीन को लेकर के एक बड़ी बात फिर से खड़ी हो गई है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 18 साल से ऊपर वाले युवा को, यानी कि जो 45 वर्ष से कम के युवा हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिला है। कहाँ से आ रहे हैं सर? यारपुर। क्या करने आए हैं? वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेने के लिए मिल रहा है यहाँ? ये पता नहीं, हम तो जा। अच्छा, कितना उम्र है आपका? मेरा तो 55 है। 55 है, तब तो पास है चाचा। 18 साल से 44 साल वाले को भी नहीं मिला, जाइए जाके वैक्सीन लीजिए। चलिए, 18 साल से 44, ये बड़ी बात थी, बड़ी सवाल ये थी कि सरकार भले ही युवाओं के लिए तरह तरह की बात कर रही हो, योजनाओं की बात कर रही हो, लेकिन 18 साल से ऊपर वाले युवाओं के लिए फिलहाल बिहार सरकार के वैक्सीनेशन के दरवाजे जो हैं बंद हैं, कोई अपडेट नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में 5000 के ही करीब युवाओं को वैक्सीन दिया गया है जो 18 प्लस वाले थे। यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि 45 प्लस वाले लोग प्रतिदिन 500 के करीब होते हैं जिन्हें वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन 18 साल से 44 साल वाले लोगों के लिए ये दरवाजे जो हैं फिलहाल बंद हैं, पिछले एक सप्ताह से बंद हैं। कब तक बंद रहेंगे इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। दरअसल यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो अपडेट है अभी फिलहाल नहीं आया है, आने की उम्मीद है। जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये भी कह रहे हैं कि आने वाला है, लेकिन कब तक आने वाला है, फिर से स्टॉक क्या है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। कहाँ से आए हैं सर? कच्ची तालाब। कितना उम्र है आपका? मेरा 35। 35। आपको वैक्सीन मिला? वैक्सीन कहाँ मिल रहा है? आए थे वैक्सीन लेने के लिए जी। मतलब पूरे फैमिली के साथ आए थे? फैमिली के साथ, इसका दूसरा था, टीका वाला काम था जी। जी, तो मतलब क्या कहा गया आपको? अब आइएगा, जब हर में बुख ही दिखा बता रहा है, हर जगह बुख ही बता रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि एक सप्ताह से नहीं मिल रहा है, कब से आ रहे हैं सर?
हम तो आए हैं, दूसरा बार आ रहे हैं, दूसरा बार वापस लौटना पड़ रहा है जी। मतलब क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार को कहना चाह रहे हैं यही कि जो भी व्यवस्था करे पूर्ण रूप से करे, नहीं तो छोड़ दे। जैसे लोग जा रहा है, जैसे मरना मर रहा है, मरने दीजिए उसको। मतलब व्यवस्था करना है तो ठीक से करे। हाँ, नहीं तो बिना मतलब का खाली प्रचार करने के वैक्सीन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पूरा सारा वैक्सीन विदेश में जा रहा है जी। और यहाँ का लोग ऐसे ही घूम रहा है लोग। मतलब जो बिहार के लोग हैं, जो युवा हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वे सभी ऐसे ही घूम रहे हैं। बल्कि हाँ, जो जैसे जो जिन हमें लोगों को मार्केट जाना है जी, सब जगह जाना है, ऑफिस जाना है, बुजुर्ग वगैरह घर में रहते हैं उनको पहले दिया जा रहा है जी। बच्चा है, फैमिली है, सबको, अगर एक आदमी को होता है तो सारे को हो जाएगा जी। तो ये सब सरकार को ध्यान देना चाहिए, युवा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को युवा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यारपुर से आ रहे हैं सर, क्या करते हैं आप? हम मार्केटिंग में हैं। मार्केटिंग में, देखिए यहाँ इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं बच्चों को, वैक्सीन लेने की उम्मीद से आते हैं। और इन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल या निशान खड़ा किया है कि सरकार को अगर वैक्सीन देना है तो पूर्ण रूप से व्यवस्था करे, इस तरह की बात नहीं करे कि प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिल रहा है। 18+ वाले युवा को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है कि युवाओं को वैक्सीन देने में बिहार सरकार नंबर वन है, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी रिपोर्ट क्या है, ये अभी आपने देखा। तो जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।